या अय्युहल्लदीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون मोहतरम हाजरीन जुमा, इस्लामी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान हकीम के 28वें पारे से सूरह मुनाफिकून की 3 आयतें आपके सामने पढ़ी। इन 3 आयतों में अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों को एक हुक्म दिया है। कुरान मजीद में जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर के कोई बात कही गई है, उस पर हमारे और आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। यूं तो कुरान का हर हुक्म है ईमान की, लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब कह दिया जाए तो इसका मतलब कि आप और केयरफुल हो जाए और तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि ये खास हर उस इंसान के लिए है जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, जो इस्लाम को मानता है, जो मुसलमान अपने आप को मानता है। तो आइए पहले इन 3 आयतों का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लदीन आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें। 2 चीज़ों का जिक्र किया अल्लाह, माल और औलाद। बड़ी अजीम नेमत है दुनिया की ये दोनों चीज़ें। माल के बगैर भी जिंदगी का गुजारा नहीं और औलाद के बगैर भी दुनिया में रौनक नहीं। ये 2 अजीम नेमतें हैं इस दुनिया में अल्लाह ताला, और इसीलिए सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने माल और औलाद को दुनिया की जिंदगी की जीनत करार दिया है। अट्रैक्शन है दुनिया की जिंदगी में, रंग है माल और औलाद। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا। अल्लाह ने फरमाया कि माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है, अट्रैक्शन है। दुनिया से अगर माल चला जाए, औलाद खत्म हो जाए, दुनिया बेनूर हो जाएगी, बेरंग हो जाए। माल भी जरूरत है, औलाद भी सहारा है, मगर यहां सूरह मुनाफिकून की आयत में अल्लाह कह रहा है ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल बहुत अहम चीज है, औलाद की मोहब्बत नेचुरल है, मगर एक चीज ऐसी है जो माल से भी ऊपर होनी चाहिए, औलाद से भी अहम होनी चाहिए, और वो चीज है अल्लाह ताला का जिक्र और अल्लाह की याद। ऐ ईमान वालों, कहीं तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। माल के चक्कर में या औलाद के चक्कर में अगर तुम अल्लाह को भूल जाते हो तो ये बहुत घाटे का सौदा है। ये माल तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है और ये औलाद भी तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए सूरह नूर में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की एक निशानी ये बताई, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे ईमान वाले बंदे वो हैं, हकीकत में मर्द वो हैं, ला तुल्हीहिम तिजारतुन, जिनको दुनिया की कोई तिजारत अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। वला बैउनन ज़िक्रिल्लाह, दुनिया का कोई कारोबार और ट्रांजैक्शन उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। हमने सलफ के वाकयात में ये वाकयात पढ़े हैं कि उनकी दुकानें बंद हो जाती थी, हथौड़ा चलाने वाले का हथौड़ा स्टॉप हो जाता था हय्या अलस्सलाह की आवाज़। ये असलाफ थे, ये उनकी नमाजों का एहतमाम था,
کیا ہم ان سے بڑے کاروباری ہو گئے, ان سے بڑے ہم تاجر اور بزنس مین ہو گئے کہ آج ہمارے ہماری دکانیں ہمارے تمام کاروبار اور تمام چیزیں نماز سے امپورٹنٹ ہو گئی؟ نہیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, اور جو ایسا کرے گا, جو مال کو اللہ کے ذکر پر مقدم کرے گا, جو اولاد کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا, وہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا, بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ڈرایا ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور اے ایمان والو ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو, صدقہ کیا کرو, خیرات کیا کرو, اللہ کی راہ میں دیا کرو اس کے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے. موت آ جائے, اور جب موت کا وقت قریب آ جائے, وَيَقُول, تو انسان یہ کہے, رب لولا اخرتنی الى اجل قریب, کہ اے میرے پروردگار تو تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دے, فاصدق واکم من الصالحین, اب تک جتنی کمی تھی سب کی پورتی کر دوں گا, سب کی تلافی کر دوں گا, اتنا صدقہ خیرات کروں گا کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا, اے اللہ بس تھوڑی سی مہلت اور دے دے. اللہ فرماتا ہے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب انسان کی موت کا ٹائم آ جائے تو کسی کو کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے.